मेरी बहन है। अच्छा जो बहन है फिर उसके साथ मिल जाते हो? हाँ जी। आपको अक्ल नहीं है? नहीं। तो कैसे करते हो? हाँ जी। क्यों करते हो? ऐसे करते हैं। मैं ऐसे दूंगा एक। मैं ऐसे दूंगा आपको कुहाड़ा मारेगा। कौन कुहाड़ा मारेगा? अल्लाह से। क्या चला रही हो? साइकिल। ये साइकिल किसका है? मैंने कहा बहर का जो है ना वो मौसम कुछ अच्छा है क्योंकि धूप वगैरह जो है ना इधर काफी मजेदार लग रही थी। हाँ जी, क्या काम है अभी? चाचू खाना खा रहे हैं, जैसे ही वो खाएंगे फिर चाय गर्म करूंगी, फिर उनको चाय दूंगी, उसके बाद फिर बर्तन धोऊंगी। अच्छा, उसके बाद बर्तन नहीं धोएगी, पहले रुका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी दुआओं से व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को कर दें जी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग, और लाइक वीडियो को आपने जरूर करना है क्योंकि लाइक कर दिया करें, क्योंकि ये लाइक करना हमारे लिए बहुत ही अहम होता है। आपने वीडियो भी चलानी होती है तो लाइक भी कर दिया करें। तो चलते हैं, आज का व्लॉग जो है आपके साथ शेयर करते हैं और आज की रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जहां भी रहो खुश रहो, बाद रहो हंसते और मुस्कुराते रहो, फूल कर। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं आपकी दुआओं से। तो व्लॉग जी हमारा शुरू हो चुका है। व्लॉग शुरू करने से पहले हमारे तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो हमारे चैनल पर न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ, आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग। हाँ जी, आज का आपको दिखाते हैं जी व्लॉग। अभी नाश्ते का टाइम हो चुका है तो पता करते हैं नाश्ता रेडी हुआ है, नाश्ता बन गया कि नहीं बना। नाश्ता तो कब का बन चुका है? आपने नाश्ता कर लिया? अभी उठ कर आए हो, आप बोलते हो कि नाश्ता अभी नहीं बना। मैं खाऊंगा। आप खाओगे? आपको नाश्ता नहीं मिलेगा आज? मैं नहीं मिलेगा क्योंकि आपने नहाया नहीं है। आपने नहाया नहीं है? कहाँ नहाया है? ये कपड़े आपने चेंज किए हैं, नहाया तो नहीं है? मैं जो है ना छोटा बच्चा हूँ, मुझे ठंड लग जाती है। और ठंड वंड भाई प्यारे बहन भाइयों कोई भी नहीं लगती, कोई ठंड वंड नहीं लगती। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ और रोज की मेरी रूटीन है, सुबह उठ के आता हूँ, आके नहा के इधर आके बैठ जाता हूँ, कोई टेंशन नहीं होती, सारा दिन ठंड नहीं लगती। ये ना नहाने से भी ठंड लगती है, आपको पता होना चाहिए कि जब गर्मी सर्दी जिस्म में मिक्स हो जाती है ना तो फिर ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। वही कंडीशन सेम टू सेम, एक मिनट, वही सेम टू सेम कंडीशन जो है इसकी बनी हुई है। मैं आपको इसके दिखाता हूँ, ये देखें, एक ये देखें, दो और इसके नीचे, और इन्होंने कमीज और पता नहीं हैंडनेक पता नहीं क्या क्या पहना हुआ है, लेकिन इसको ठंड जो है ना काफ़ी ज़्यादा लगती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई को कोई ठंड नहीं लगती, कुछ भी नहीं होता, ये अल्लाह पाक की रहमत है। और अपने आप को फ्रेश रखना, साफ़ सुथरा रखना, नहाना टाइम पे, ये जो है ना फिर इंसान को आपको पता है कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ थोड़ा सा झांका होता है जी ठंड, इतनी हवा चल रही है, पानी होगा, पानी ताज़ी मोटर चलाओ, फ्रेश पानी निकालो गर्म, नहाओ सुकून से साइड पे हो जाओ। रोज उठते हो नहाते हो, सारा बाथरूम के आगे पानी नीचे आता है और सारी वो जो गपन हो जाती है, बच्चे तिलक जाते हैं इसमें नहीं हो, इतने से पानी तो बाहर आता है, इसकी तो सेटिंग हो जाएगी, वो तो इशू नहीं है। लेकिन बात मैं ये कर रहा हूँ कि जो है ना नहाने में जो है ना ठंड नहीं लगती है बहरहाल। अच्छा आप नहाते रहे, कैसे भाई, सही बात की है गलत किया है? हाँ यही बात इसको समझा रहा हूँ, इन्होंने आठ कपड़े पहने हुए, आठ फिर भी कहती है ठंड लग रही है। लगेगी ना, नहाती नहीं है। हाँ नहाती नहीं है। पानी जो है वो सर्दी का दुश्मन है भाई। पानी सर्दी का दुश्मन है मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह 5-7 दिन हो गए, रूटीन बन चुकी है डेली की, चाहे जो भी ठंड हो कुछ भी हो। इसलिए तो मैंने सिर्फ एक कमीज पहना हुआ है, कुछ भी नहीं है। ये देखे ऐसे ऐसे कर रही है। हाँ वैसे भी हमसे ना ये ज्यादा है डाटा है का, हर बात में हमसे डाटा है। चलो नाश्ता भी ले आओ, नाश्ता करते हैं, ये सब बच्चे भी देखें इकट्ठे हो गए हैं नाश्ता करने के लिए। ले आती है, किस चीज के साथ खाओगे? सालन ले आओ। सालन नहीं रखा आज क्यों नहीं रखा?
रखा रखा तो होगा, ऐसे झूठ बोल रही है। चीटे चीटे सफेद बाल हो गए फिर भी झूठ बोलती है। कैसे हो इब्राहिम? रखा है मेरा, रखा है आपका थोड़ी रखा है। ले आओ ले आओ ले आओ जिसका भी है। मेरा है। आप नहीं शोर करो। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता जो है हमारा रेडी होकर आ चुका है। जैसे आपने रात मेरी वीडियो देखी होगी, हमने बनाया था चिकन का सालन। तो रात भी खाया है, अभी भी ये सालन आ गया है और इधर आ चुका है जी गर्मा गर्म ठंडी ठार रोटी। गर्मा गर्म ठंडी ठार रोटी तो नीचे जो है ना इसके होगी अपना घी वाली रोटी, वो मैं उठाऊंगा और बाकी जो है ना ये खाएगी नादिया। जी नाश्ता वगैरह जो है वो कर लिया है, अभी जो है बैठे थे, परिंदों वगैरह को खुराक वगैरह जो है वो मैंने डाल दी है और एक परिंदा जो है वो भी भाग गया है, तो मैं भी उसके पीछे नहीं गया। मैंने कहा आपको लगता है ये कबों के हाथ में आने की ज़रूरत थी, तो इस वजह से मैंने जैसे वो खिड़की खोली खुराक डालने लगा तो एक बहर आ गया। जैसे बहर आया मैंने कहा घूम फिर रहा है, फिर उन्होंने क्या किया ऐसे उड़ा ऐसे कमरों के ऊपर से, फिर नज़र नहीं आया कहाँ चला गया। ये सारी गलती नादिया की थी क्योंकि इसको मैंने कहा साइड पे ना कपड़ा दे के रखे, उन्होंने कपड़ा नहीं दिया तो वो भाग गया। ऐसा ना गलती तो नादिया की होती है। हाँ घर में जो नुकसान हो, जो कोई बात हो परेशानी वाली या कोई ऐसी, ये नादिया करती है, ये नादिया करती है, सब चीजें नादिया ही करती रहती है। आप तो करते कुछ नहीं हो, नादिया ही करती है ना। जो भी घर के काम वगैरह होते हैं सारे नादिया करती है, जो भी झाड़ू वगैरह पोछे होते हैं नादिया करती है, जो भी नुकसान होते हैं नादिया करती है। काम की बात जो है ना वो नादिया करती है, लेकिन नुकसान नादिया नहीं करती। ये आप परिंदा किसने निकाला? आपने खुद निकाला है। जैसे वो निकला था बाहर, वो छानी के नीचे चला गया था, तो आप पकड़ लेते उसको और वो उड़ने वाला बैठा रह गया, देखता रह गया उसको कैसे चल फिर रहा है। फिर जैसे उड़ गया फिर कहते वो परिंदा तो उड़ गया, फिर इसमें मेरा कसूर है? कसूर उसका है जो उड़ गया, क्योंकि उसको सही है। मैं तो कहती हूँ ऐसा ऐसा सारे उड़ जाए। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, और आजाद हो जाएंगे, और ले आएंगे फिर। ये उड़ गया तो और ले आएंगे, घूमे फिरेंगे खाएंगे। और ये ना पता ही क्या है, असल में बात ये है कि इधर तो उनको टाइम पे खुराक पानी सब कुछ मिल रहा था, बहर गया है उसको खुराक ढूंढनी पड़ेगी अगर बच गया तो। अगर पहले तो वो कौओं के हाथ में लग जाएगा, क्योंकि कौवे जो है ना यहाँ के बड़े जालिम है। वो ये जो बंद परिंदे होते हैं ना, जैसे ये बंद पड़े हैं, उनको तो ये देखते ही उनको हड़प कर लेते हैं। जो के इधर घूम फिर रहे हैं ना उनको कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो आदि हो गए हैं, वो कौओं से पकड़े नहीं जाते। ये जो है ना न्यू जब बहर निकलते हैं ना, इनको उड़ने का भी सही तरीके से पता नहीं होता। जब भी ये उड़ती हैं तो फिर ये परिंदे कौओं के हाथ में चढ़ जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि उनकी ज़िंदगी बच जावे, वो अपना घूमता फिरता रहे, कोई बात नहीं है, हमारे नसीब में नहीं था तो चला गया। तो बाकी जी अभी इनके बर्तन वगैरह जो हैं वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। अभी तक इधर जो है ना वो रखे हुए हैं, ये देखें, अभी तक इन्होंने ये बर्तन भी नहीं धोए, बैठी है बस सुकून कर रही है। फिर जब थोड़ी धूप ख़त्म हो जाएगी, ठंड बन जाएगी, फिर ये बर्तन धोएगी, फिर इसको सर्दी लग जाएगी। नहीं मैं कौन से धोने वाला हूँ, बात ये कर रहा हूँ। काम करते नहीं हो तो फिर बताने का कोई फायदा नहीं है आपको, मैं खुद जब भी करूँगी कर लूंगी बात। नहीं जब अभी धूप खड़ी है, धूप के टाइम आप धो लें, फिर धूप पे बैठ जाएं, जब टाइम ओवर हो जाएगा। अभी मोबाइल को छेड़ रही है और काम इसको है नहीं, सब काम मुझे ही होते हैं। कौन सा आप काम करते हो, 12 बजे उठ के आ जाते हो, मुझे नाश्ता दो, बस नाश्ता करके बैठ जाते हो। कौन सा मेरे लिए काम करते हो जो मैं आपकी तारीफ करूं कि हाँ ये आप मुझे काम करते हो, मेरे साथ हेल्प कराते हो काम काज की। चलो नहीं करता बनाना तो कोई नहीं करता जी। कोई बात हो तो फिर नादिया ये कर दिया, नादिया ने वो कर दिया, नादिया ने फिलान कर दिया, बस आपको हर वक्त जो है ना मेरा गिला करते रहते हो। ये गिले की बात नहीं कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ। घर का पोछा लगाती है, घर का काम करती है, सफाई करती है, उसके अलावा जो भी घर के काम काज होते हैं सारे करती है। सिर्फ ये है कि परिंदा निकाल दिया। मैंने नहीं निकाला, वो आप खुद से निकला है।
तो चलते हैं जी, बाकी कभी लोग भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हंसी मजाक जो है वो होती रहती है, हंसी मजाक ना करें तो फिर व्लॉग जो है ना वो अच्छा नहीं बनता। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हंसी मजाक होती रहे, नाजिया को थोड़ा बहुत छेड़ता रहूं। ये गुस्सा क्योंकि मिनट में करती है, अभी मैं गुस्सा दिलाने पे आऊँ तो एक मिनट लगेगा, ऐसे ऐसे भाग रही होगी, बर्तन मिनट में धुलाई कर लेगी, सारा काम ऐसे ऐसे कर लेगी स्पीड में, क्योंकि गुस्सा चढ़ जाएगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको गुस्सा ना चढ़े, गुस्सा चढ़ गया तो फिर कराटे ना लग जाऊं मैं, मुझे सन्नी देवल वाले कराटे। कोई कराटे आपको लग रहे हैं? आ गए, कहाँ आ गए हो, कहाँ जा रहे हो? नानी के घर। नानी के घर क्या करने जा रहे हो? वो मेहमानों को मिलवाने। अच्छा, कौन कौन जा रहे हो? सब जा रहे हो, आप भी जा रहे हो? अच्छा, सही हो गया। हाँ जी, क्या काम है अभी? चाचू खाना खा रहे हैं, जैसे ही वो खाएंगे फिर चाय गरम करूंगी, फिर उनको चाय दूंगी, उसके बाद फिर बर्तन धोऊंगी। अच्छा, चाय पिलाएंगी मुझे, उसके बाद बर्तन नहीं धोएगी, पहले लुका दूंगी। लुका दूंगी, बाय, याद आ गया। सूखना भी है चाचू को। कल मैंने कहा था कि आपने जो है ना ये लुकार और जो है ना ये दूसरी बुनैन और टोपी, मतलब जो चीज भी आपके हैं वो मुझे दे देना, मैं धो लूंगी जब धूप निकल आए। तो फिर आज कुछ ये फिर सुबह इन्होंने देनी थी ना, ये अभी आपने इन्होंने दी है तकरीबन ना 1:20 हो गए हैं 20 मिनट। मेरे लिए सुबह है क्योंकि मैं अभी उठा हूं ना, जो जिस वक्त उठता है वहां से हाँ। नहीं, वो तो रात जब होती है इनकी सुबह शुरू हो जाती है रात को, क्योंकि ये रात पूरी जो है इन्होंने जागना होता है और सुबह 4-5 बजे इन्होंने नमाज के बाद जाकर सोना होता है। तो फिर अभी उठे हैं तकरीबन 1 बजे तकरीबन उठे होंगे, 15 मिनट ऊपर हो गए हैं, अभी नाश्ता वगैरह हो रहा है, नाश्ते के बाद जो है ना फिर वो कहते हैं पहले मेरी लुकार और उसके बाद बाकी काम, क्योंकि धूप है। ये ना ऐसे करना है, इसको धो के ना ऊपर वो पर्दी पर डाल देना, उधर धूप होती है, हवा भी होती है, उधर सूख जाएगी जल्दी। शाम तक सूख जाएगी, शाम तक सूख तो जाएगी। जो है ना सर्फ लेने गई है, जैसे ही सर्फ लेकर आती है तो फिर मैं इसको धो लूंगी, धो के फिर बाद में चलो बर्तन धो लूंगी। हाँ, बर्तनों का काम बाद में करते रहना। वाह जी वाह, किसके कपड़े सिलाई हो रहे हैं? हाजरा के। अच्छा, आई बहर आपने मशीन लेकर आ गई हो? कमरे के अंदर ठंड होती है ना, फिर सिलाई भी नहीं होते, इसलिए मैंने कहा चलो जितनी देर धूप निकलती है इंसान बाहर बैठा रहेगा। मशीन सही चल रही है? मशीन सही चल रही है। अभी फ्रेम से इसको निकाल दें और जितना दिन सर्दियां है ना भाई, इसको ऐसे अंदर रख दिया और ऐसे लेकर बाहर रख दिया, सकून से चलाती रहे और इसको ना अपना काम जो है ना वो करती रहे। आप आ गए सकून से वापस? जी। कितने बजे छुट्टी होती है? 2:30 बजे। इसका मकसद है कि 3:15 होने वाले हैं। अच्छा, 3:12। सही हो गया। कितने आज सिलाई कर लोगी? अभी तो पहला कमीज सिलाई कर रही है। अच्छा, अभी तो बैठी हूँ। सही है। अभी जी ये हो रहे हैं जी कपड़े सिलाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखते हैं कि कितनी देर में सिलाई हो जाते हैं, क्योंकि ये जो हम उधर गए थे ना कोट उधर से नादिया जो लेकर आई थी ना, वही इन्होंने कटाई की है और अभी कर रही है सिलाई। ये कितने सूट बने थे ये लाल वाले? एक हाजरा का सूट बना है और एक मुस्फिरा का कमीज बना है। सलवार, फिर सलवार मैंने कहा और ले आऊंगी। और ये दूसरे कपड़े गए? दूसरे कपड़े ये वाला जो है ना, एक मैंने अपनी सलवार बना दी है एक हाजरा की, और ये वाला जो है अभी इसको काटा नहीं है, मैंने कहा एक कमीज यहाँ से अपना बना लूंगी एक हाजरा का, ये सलवार और ये कमीज हमारे हो जाएंगे, फिर जो बच्चे का मुस्फिरा का सूट बना। ये तीन का सूट बन जाएंगे आपका भी, हाजरा का भी और मुस्फिरा का भी। दो कमीज मैंने यहाँ से निकालने हैं, उसके बाद जो कपड़ा बचेगा वो उसका सूट बना दूंगा। सही।
तो जब कटाई करूंगी तो पता चलेगा ना कि कितना बनता है, कितना कपड़ा है और कितना जनाब बनता है। सही हो गया, चलो कुछ दिन आगे गुजर जाएंगे, सर्दियों के दिन जो है ना वो तो कट जाएं, आगे अल्लाह मालिक है, आगे अल्लाह मालिक है। सही बात है, जैसा भी होगा अच्छा होगा। ये आ चुके हैं बहर, मैंने कहा बहर का जो है ना वो मौसम कुछ अच्छा है, क्योंकि धूप वगैरह जो है ना इधर काफ़ी मज़ेदार लग रही थी, तो मैंने कहा इधर चलते हैं और बहर जो है ना धूप वगैरह लगवाते हैं। इधर से देखें ना सूरज जो है ना बिल्कुल माशाल्लाह अच्छी तरह से जो है ना निकला हुआ है, और धूप जो है ना इधर ठीक है, लेकिन मेरे घर में बिल्कुल धूप नहीं होती। इधर जो है ना ये देखें, ये सारी पूरी सड़क पर धूप ही धूप है, क्योंकि ये इसके सूरज ऊँचा होता है ना, इसके आगे जो है ना कोई चीज़ नहीं आती है। तो उधर जो है ना हमारे यहाँ वो दीवारें ऊपर हैं, इमारतें, तो फिर घर में जो है ना बस ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के लिए धूप आती है, फिर उसके बाद जो है ना छांव हो जाती है। तो इस वजह से मैंने कहा बहर चलते हैं, बहर सड़क पे ना थोड़ा धूप वगैरह लगवाते हैं, धूप वगैरह लगवाने के बाद फिर इंशाल्लाह देखेंगे जैसा भी होगा। और टाइम जो है वो भी तकरीबन 3:30 के करीब हो रहा है, और सोच रहा हूँ कि सब्ज़ी वगैरह का जो है वो भी सिस्टम करना है, और वो भी पूछते हैं क्या हिसाब बनाते हैं, जो चीज़ कहेंगे फिर वो बनाएंगे। तो चलते हैं, चल के देखते हैं क्या प्रोग्राम है। और इधर से पता नहीं कैसे पुल जो है ना ये गिर गई है, आगे से मिट्टी गिर गई है, लगता है इन्होंने ना साथ ये लकड़ दी हुई थी, वो लकड़ लगता है निकाल ली है, जो इधर मुंशी चीर रहा था, चिराई कर रहा था लकड़ की, तो इस वजह से जो है ना इब्राहिम भी आगे आगे आ रहा है सामने, ये पता नहीं कहाँ गया था। क्या कर रहे हो, खेल रहे हो? अच्छा, किसके साथ खेल रहे हो? अच्छा चलो सही है, खेलते रहो। सही है, क्या चला रही हो? ये साइकिल किसका है? झोले का, इसकी गुम हो गई है। आपका साइकिल गुम हो गया? हाँ। फिर आप वो देखें, वो पीछे भी दो आ रहे हैं, ढोला भी आ रहा है और साथ जो है ना उसके सदीक भी आ रहा है, और इधर वकार और बीबी जो है ना आगे लेकर चले गए हैं गाड़ी। ये किसकी है ये गाड़ी, किसकी है? तेरी है। सदीक कहाँ जा रहे हो? इधर खेलने के लिए। वाह, बाय बाय करो, बाय बाय करो। वाह जी वाह। और अपना आज क्या बनाएंगे? साग। साग पढ़ा है क्या? उसके लिए मिसाले वगैरह पड़े हैं? मिसाले नहीं पड़े। कल में लिया है, आधा किलो टमाटर थे, प्याज थे, लेकर आए थे, लेकिन वो चिकन में डाले थे ना। चलो आज फिर साग का प्रोग्राम है, तो फिर सिर्फ मिसाला लेना पड़ेगा। चलो आज ले आते हैं जी मिसाला, और बनाएंगे साग की रेसिपी। तो उसके अलावा वो काढ़े का सामान ले आऊं? अच्छा लग रहा है। हाँ दिखाना। वाह क्या बात है, जबरदस्त। ये हाजरा का समय लेके कमीज मुकम्मल हो गया है। हाजरा के तो फिर मोजे लग गई हैं। काफी काफी गर्म है, जैसे सर्दियां है ना, सकून से अयाशी करती रहे, है ना। वो काढ़े वाला सामान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके पीने से ना काफी फायदा हो जाता है। मैंने तो आपको कप का कहा, रात शमशादी की भी कॉल आई हुई थी, पूछ रही थी, मैंने कहा उसकी तबीयत सही नहीं है, वो सो गई है टाइम ओ टाइम, और उन्होंने कहा कि वो काढ़ा वगैरह पीना था। मैंने कहा काढ़े वगैरह का सामान जो है ना वो ख़त्म हो गया था, अभी मैंने कहा अंडा उबाल करके वो भी उन्होंने खा लिया है, चाय भी पी ली है, चिकन के साथ खाना भी खा लिया है, और अभी मैंने कहा रजाई के अंदर छुप के सो गई है। उन्होंने कहा फिर सुबह तक ना ठीक होगी। अब कैसी है, ठीक है कि ठंड लग रही है? सही है। हाजरा आपका सूट बन गया है? कौन नहीं मामा?
मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ, देखें आपके सामने, वो देखें जी जिसको सीधी बात करो वो कहता है झूठ नहीं मारो, ये देखें ये बन गया कि नहीं बन गया। हाँ जी बन गया है, बस ये आखिरी लास्ट सिलाई है। लास्ट सिलाई है, फिर आपको ने दिखाते हैं कैसे पहनोगी। चलो देखते हैं फिर, चेक करवाते हैं आपसे, आपको चेक कराते हैं कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता, सही है। तो इधर जी माशाल्लाह काम हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया है, और बाहर जो है ना जैसे मैंने आपको बताया है, इधर ना चल के देखते हैं कि आज क्या बनाना है, तो वो जो है ना पता कर लिया है। आज क्या बनाना था, गाजर मटर नहीं, आज हमने बनाना है साग, साग बनाएंगे आज हम बनाएंगे साग, क्योंकि साग जो है ना मजेदार होता है। नहीं होता। होता है? नहीं होता। नहीं होता? नहीं। ये शोर क्यों कर रहे हो? नहीं होता। शोर क्यों कर रहे हो? उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, सीधे हो जाओ। हाँ इधर खड़े होकर बात करो, आपको तमीज नहीं है? नहीं। ये हाथ देखे कैसे गंदे करके आ गया, जाओ हाथ धो के आओ, जाओ अच्छी तरह से हाथ धो के आओ। अभी देखें जी हाज ना बैठ चुकी है, क्योंकि इसको पता चल गया है कि अभी जो है ना मेरा कमीज सिलाई हो रहा है। अब क्यों बैठ गई हो, क्यों देख रही हो, ये आपका थोड़ी है, मेरा है। पहले तो आपने कहा झूठ बोल रहे हो, अभी आपका हो गया? हाँ जी, मेरा कोई नहीं है आपका, ये मैं पहनूंगा। ये छोके चूहा पहनते हैं। और कौन पहनते हैं? हम पहनते हैं। क्या कहती है? ये जो है ना मर्द नहीं पहनते, ये कहती है चूहर पहनते हैं, ये हम पहनते हैं, ये आपका थोड़ी है, ये मेरा सूट है। नहीं है, मेरा सूट है। मेरा है, मेरा अभी हाजरे को नहीं देंगे, कैसे है प्रीम? नहीं। हाँ हाजरे को नहीं देंगे, सही है, हाजरा को है। यार ऐसे तुम भी ऐसे उसके साथ मिल गए हो, हाजरा के साथ मिल गए हो, क्यों मिले हो, क्यों मिले हो? बोला, बोला, मेरी बहन है। आए, आप हाजरा के साथ क्यों मिल गए हो? मैं मिलता हूँ। आप मिलते हो? हाँ जी। क्यों मिलते हो? बोलो, मेरी बहन है। मेरी बहन है। अच्छा जो बहन है फिर उसके साथ मिल जाते हो? हाँ जी। आपको अकल नहीं है? नहीं। बिल्कुल ही नहीं। अच्छा आंखें क्यों मार रहे हो, आंखें क्यों मार रहे हो? कौन कर रहा है आके? तुम। और मैं नहीं कर रहा, मेरी बात सुने आप ना। डर गई है, डर गई है, डर गई है, डर गई है, डर गई, डर गई। देखो मेरी बात। और आपकी बात सुनता हूँ इधर से तो फारिग हो जाऊँ, देखे डर गई। नहीं करो इब्राहिम, पापा को ऐसे नहीं करते। यार अपने पापा को ऐसे करते हो? हाँ जी। क्यों करते हो? ऐसे करते। मैं ऐसे दूंगा एक। मैं नहीं दूंगा, आपको कुहाड़ा मारेगा। कौन कुहाड़ा मारेगा? अल्लाह से, अल्लाह। अल्लाह पाक? हाँ जी। किसको कुहाड़ा मारेगा? आपको। ओए अल्लाह पाक गुनाह करता है, अपने पापा के सामने ऐसे नहीं बात करते। करते हैं। नहीं करते? करते हैं। आप क्या इलाके के लंबरदार हो? नहीं। और? मैं इब्राहिम हूँ। आप इब्राहिम हो? हाँ जी। आपका नेम किसने रखा था? मैंने। हाँ कि मैंने कहा आपका नेम किसने रखा था, कहता है मैंने। ओ डर गई है, डर गई है। एक मिनट हाजरा के पास सुनने दे, हाजरा क्या कह रही हो? वाह वाह हाजरा वाह, क्या बात है, वैसे कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, सही हो गया। अभी पहन लो। पहन? नहीं सुबह पहनना। अभी पहने? नहीं नहीं अभी नहीं पहनेगी, सुबह पहनेगी। हम नहीं पहनने देते। हम जाएंगे चौक पे। क्या करने? वो
चलो जी ओके हो गया, वीडियो भी हमारी यहीं पर मुकम्मल होती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो जो है वो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर लाइक करें, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इब्राहिम ने बदतमीजी की है इसके नेम का कमेंट भी आपने ज़रूर लिखना है। अभी मैंने बता दिया है इब्राहिम, मैंने बता दिया है। ओ आपके फिर मैसेज आएंगे। ये क्या है? चिप्स है। हाँ मज़ा किया है, खानी है? पड़ी है। किधर पड़ी है? वाह और भी है चटाई पे। अच्छा तो प्यारे बहन भाइयों मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चाहते हैं तमाम बहन भाइयों से इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई।